हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इजीली तिल के लड्डू कैसे बना सकते हैं। आप सबको पता है तिल और गुड़ हमारा शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप एक बार तिल के लड्डू बना के खाएंगे ना, तो आपको बार बार बनाने के मन करेगा। वीडियो को स्किप ना करके इन तक देखते रहे तो आप भी सीख जाएंगे बहुत ईजीली तिल के लड्डू कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पे लिया 100 ग्राम सफ़ेद तिल, साथ में लिया 100 ग्राम गुड़। मैंने गुड़ और तिल बराबर लिया। गुड़ और तिल बराबर लेने से तिल के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। और लिया छोटा चम्मच का 1 चम्मच घी। कढ़ाई हल्का गर्म होने के बाद डालेंगे तिल। लो फ्लेम में तिल को ऐसे चला चला के भून लेंगे। लो फ्लेम में ऐसे चला चला के तिल को 3 मिनट भून लिया। देखिए तिल को कलर भी चेंज हो गया और तिल से एक बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रहा है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम इनको थोड़ा देर तक ठंडे करने के लिए छोड़ देंगे। एक ही कढ़ाई में डालेंगे गुड़। गुड़ को मेल्ट करने के लिए ऐड करेंगे 2 टेबल चम्मच पानी। मीडियम फ्लेम में गुड़ को ऐसे चला चला के मेल्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में 8 मिनट तक गुड़ को ऐसे चला चला के मेल करके थोड़ा गाढ़ा कर लिया। देखिए गुड़ से झाग निकलने लगे। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा घी। थोड़ा घी ऐड करने से गुड़ को कलर भी चेंज होता है और गुड़ से जो झाग निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा। घी ऐड करने के बाद और भी 2 मिनट गुड़ को पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में टोटल 10 मिनट हो गया गुड़ को पकाया। अब हम चेक करके देखेंगे गुड़ में तिल अभी डाल सकते कि नहीं। ये छोटा सा कटोरी में थोड़ा पानी लेके ऐसे करके मैं गुड़ चेक करेंगे। देखिए गुड़ अभी नरम है। आप अगर चॉकलेट और चुनकम जैसे नरम लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ तिल ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा क्रंची और टाइट लड्डू बनाना चाहती हूँ, इसीलिए और भी 2 मिनट पकाया। मीडियम फ्लेम में टोटल 12 मिनट गुड़ को पकाने के बाद फिर दोबारा मैं चेक कर रही हूँ। देखिए गुड़ अभी कितना क्रंची बन गया और कितना टाइट भी हो चुका है। ये कितना क्रंची हो गया आपको आवाज़ सुन के पता चलेगा। आप जितना बार गुड़ चेक करेंगे उतना बार गैस के फ्लेम ज़रूर बंद कीजिए, अदरवाइज गुड़ जल के कढ़ाई में लग सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे भुने हुए तेल। देखिए तेल ठंडे होने से कितना मुरमुरा हो चुका है। मीडियम फ्लेम में गुड़ और तिल अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम में गुड़ और तिल को 3 मिनट तक ऐसे चला चला के मिक्स कर लिया। देखिए गुड़ और तिल कढ़ाई से अलग होने लगा। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसी प्लेट में निकालेंगे इसीलिए इसी प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया। थोड़ा घी लगाने से गुड़ और तिल प्लेट में चिपकेगा नहीं। तो चलिए निकाल लेती हूँ। इसी प्लेट में मैंने लड्डू बनाएंगे इसीलिए इसी प्लेट में भी थोड़ा सा घी लगा लिया। अब हम एक छोटा सा चम्मच लेके छोटा छोटा पीच करके
काट के एक प्लेट के ऊपर रख देंगे। गरम गरम ऐसे पीस करके रखने से लड्डू बनाने बहुत ही सुविधा होता है। आपको लड्डू को गोल गोली करना पड़ेगा गरम रहते रहते। अगर तिल और गुड़ ठंडा हो जाएगा तो लड्डू को गोल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक हाथ से ऐसे थोड़ा प्रेस करके दोनों हथेली में रख के घुमा घुमा के सारे लड्डू को गोल बना लेंगे। ऐसे करके मैं सारे लड्डू को गोल बना लिया। देखिए कितना अच्छे से बन गया तिल और गुड़ का लड्डू। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो को अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।